हेलो, व्यू में किसी काम में फंसी हुई हूँ। मुझे नहीं पता, क्या तुमने सिंक में चेक किया? मैंने तुम्हें कल ही बोला था थोड़ा लेकर आना। ठीक है, मैं आते वक्त लेकर आऊँगी, बाद में आ जाऊँगी, मैं अभी काम में हूँ। बाय बाय। हे, रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हें नहीं चाहिए? जूली, आई एम सॉरी, मैं अब ठीक से बैठूंगी। नहीं, रहने दो, चलेगा। आज के लिए बहुत हो गया। अच्छा, अब नहीं हिलूंगी, मैं अच्छी तरह बैठूंगी। कितना अच्छा। मैं अपनी सांस रोक कर बैठूंगी। कितनी देर तक? डेविड, हे भगवान, मुझे रास्ते में एक लड़की मिली, मुझे उसके पास नहीं जाना था। वो स्टूडियो के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ काम करती हूँ। मैं बहुत डर गई थी। तो फिर पुलिस को बुलाते हैं। मैंने उनको कितनी बार बुलाया है, लेकिन वो मुझे पागल समझते हैं। हाय हाय, मैंने तुम्हारे काम में दखलंदाजी। वैसे मैं अभी काम खत्म ही करने वाला था। ओह नहीं नहीं नहीं, रुकना, मेरी वजह से अपना काम मत रोकना। मैं तब तक अपने बेडरूम में आराम कर लूँगी। शिट शिट शिट, डेविड, ये तुम्हारी दादी का फूल का बेस था। मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ नंगे पैर चलकर मत आना, ठीक है? यहाँ बहुत सारे टुकड़े गिरे हैं। जाओ, जाकर कपड़े पहन लो। मैं सिर्फ यहाँ पे पानी लेने आई थी। क्या तुम लोगों को पानी चाहिए? नहीं चाहिए? ठीक है। तो ये तुम्हारी बीवी है? हाँ। बहुत दिलचस्प औरत है। हाँ बिल्कुल है, और बहुत सुंदर भी है। हाँ सुंदर भी है। क्या तुम्हें और पेंट नहीं करना है? नहीं। कल फिर से मिलते हैं और तुम मेरी पेंटिंग बनाओगे? हाँ। तो मैं तुम्हें कल मिलती हूँ, अच्छी तरह नहा धोकर, सेंट लगाकर, ताकि तुम्हारी नजर मुझसे ना हटे। सर जूली। यस डेविड। मैंने तुम्हें चेक दिया क्या? कल मैंने तुम्हें दिया था ना, है ना? ठीक है, सॉरी। तो वो जूली थी? हाँ। अच्छी है वो। वो अच्छी लग रही थी। और वो बहुत सुंदर भी है। हाँ। गुड, दैट्स गुड। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये हम दोनों के लिए है। ये गेम है, ये बचपना है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। कपल, मैंने एक कपल के बारे में पढ़ा था। नहीं, एक्चुअली दो कपल के बारे में पढ़ा था। मुझे पसंद नहीं तुम मुझसे ऐसे बात करो, मुझे बहुत खराब लगने लगता है। तुम बहुत ही कीमती हो मेरे लिए। तो प्रूव करो। तो गेम क्या है? ओह, ऊपर सेल्फ पे, मैं तुम्हारे पीछे होंगी। ये ग्रीन चीज जो है, इसका नाम फोगी है। अगले महीने तक हमें इसे खिलाना होगा और उसे एजुकेट करना होगा और उसका ख्याल रखना होगा। जब वो बीमार होगा, ये एक नकली बच्चे की तरह है। क्या तुम सच में सीरियस हो? ये जापान से है। ओह, ऐसा है। और मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इस चीज को जिंदा रखूंगा? तो मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी। अच्छा, कितने लोगों को ये फोगी नाम पसंद आएगा? किसी को नहीं, सिर्फ तुम्हें पसंद आएगा, मिस्टर ब्लू। तुम हमेशा जीतते हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गुड बाय, गुड बाय। हाय हाय डेविड। हे, तुम अच्छे दिख रहे हो। मेरा एक फ्रेंड है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाह रहा हूँ, उसका नाम है कार्ल मार्क। उसकी एक एक्सप्यू गैलरी है। डेविड, वो बहुत ही अच्छा गैलरी है, तुम्हें उसे अपना काम दिखाना चाहिए। तुम लोगों के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं सोचूंगा इस बारे में। तुम इससे मिलोगे, ये उससे मिलेगा। मैंने कहा ना, मैं सोचूंगा। मुझे जाना होगा। तुम्हें देखकर खुशी हुई स्टीफन। तुम कुछ भूल रहे हो। बाद में मिलते हैं। मैरी, बाय ब्लू। बाय रेड। अपना ख्याल रखना स्टीफन। मुझे एक विचित्र कल्पना बार बार आती है। मैं ये सपना देखती हूँ कि मैं मुर्दा घर में जाकर सेक्स करूँ। किसके साथ? मरे हुए लोगों के साथ, मरी हुई औरतों के साथ। और ये भी देखती हूँ कि एक लड़का एक लड़की को टेबल के नीचे से खींच रहा था, जो वो लोग वॉल पर लगा कर रखते हैं, वो वाला ड्राइवर की तरह, जहाँ पर लोग अगरबत्ती वगैरह रखते हैं। और एक औरत है जो बहुत पतली है और मरी हुई है। कितनी जवान है? बहुत जवान। जो भी है वो बहुत ही संभाल कर है। वो उसके साथ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। जब वो उसके साथ सेक्स कर रहा है और मैं उस 15 साल की औरत को कैसे कम्पैक्ट कर सकती हूँ? तुम्हें ये सपने कब आते हैं सेक्स के? ये सपने ज्यादातर तभी आते हैं जब हम सेक्स करते हैं, बार बार नहीं आते। और ये सपने मेरे कंसंट्रेशन में बाधा डाल देते हैं स्टीफन। मुझे पता है ये कैसे हो रहा है। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है क्या? मेरे पास सिर्फ कुकीज है, मैकेडामिया चॉकलेट चिप्स और क्रैनबेरी ओटमिल, ऐसा मुझे लग रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ, मरी हुई लड़कियों के बारे में सोचती हूँ? नहीं, तुम यकीन नहीं करोगी तब मैं क्या सोचता रहता हूं जब मैं सेक्स करता हूं। क्या डेविड ने इस लड़की को देखा है? स्टीफन, मुझे वो देखने की इजाजत नहीं है। तो मत देखो ना, लेकिन ये कोई कंकाल तो नहीं है। वो बहुत ही एक्टिव है ना? क्या? कुछ नहीं। तो वो क्या था? क्या? तुम पागल मत बनो। मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, कहाँ से पागल लग रही हूँ। नहीं, डेविड का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। और ये तुमने क्यों कहा? मुझे पता है कि तुम क्या सोचती हो। नहीं, तुम नहीं सोचते। हाँ, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ। नहीं सोच सकते। हाँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ। डेविड सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे लिए ही पागल है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे तो अंडरवेयर मिले मेरे बेड के नीचे से, और वो मेरे नहीं है। ओह, अरे तुम कुछ भी अपने आप में मत सोचो। यहाँ पर लड़कियाँ आकर कपड़े पहनती भी हैं और निकालती भी हैं हर वक्त। तो हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमने अपनी नाक में टिश्यू क्यों घुसाया? एक्चुअली कभी कभी मेरे नाक से खून निकलता है, तो उसे रोकने के लिए कुछ कुछ लगाना पड़ता है। ओह हाँ हाँ, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री इनविटेशन के लिए। स्टीफन, मुझे मेरा टिश्यू वापस दो। नहीं, रुको, क्या मैं कल तुम्हारे स्टूडियो में आ सकता हूँ? अभी नहीं। हाँ, क्या तुम शो कैंसिल करने वाली हो? अभी बताओ। नहीं, मैं कैंसिल नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर मुझे फ्राइडे तक पेंटिंग नहीं मिली तो मैं एक मैक्सी पेंट निकालने वाला हूँ उस कचरे के डब्बे से, और मैं उसे फ्रेम करूंगा और उसके नीचे मेरी शो का साइन करूंगा फ्रेम करके। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। क्या तुम कोई और प्रॉब्लम में तो नहीं फंसी? नहीं। गुड, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं उसे हैंडल नहीं कर पाता। तुम पी रही हो? बस एक गिलास। मुझे लगा कि तुम्हारा इंटरव्यू है। हाँ है ना, लेकिन एक गिलास दारू काफी है ये भूलने के लिए कि मैं इंटरव्यू से कितना नफरत करती हूँ। हेलो, कम। मैं हूँ मेहरी। मुझे नहीं लगता था कि तुम 3 बजे आ जाओगी, लेकिन मैं यहाँ हूँ और तुम भी यही हो। चलो, एंड क्या तुम कुछ पीना पसंद करोगी? ये कहो कि तुम एक टाइगर पैदा हुई हो, तुम सुंदर हो, हिम्मत वाली हो, शाही हो, आलिशान हो और एक कवि भी हो। ये पूरी दुनिया एक चिन्ह है ताकत और बुद्धिमानी का। क्या हुआ? लोगों ने तुम्हें शूट किया ताकि वो तुम्हारी पूरी छवि को ले ले और तुम्हें एक ड्रामा में पार्टिसिपेट करने के लिए थोपे। तुम्हारे में टाइगरनेस है। मैंने देखा तुम्हारा काम, और मैंने देखी मौत और हॉरर देखा, और मैंने ये भी देखा कि तुम जर्नलिस्ट के खिलाफ लड़ती हो, और मैंने देखा नर्क की बहुत ही सुंदर सी चीख, और मैंने देखा यंत्रा परमानंद, और एक लड़ाई जो 2 एनर्जियों के बीच में जो विनाश और सुस्ती के थे। मैंने देखा वो प्रबल और औरत के गुस्से का। सच में? हाँ, मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। मैं अपनी भावनाओं को तुम्हें नहीं बता पा रही हूँ। और क्या क्या देखा तुमने? मैं जब सीढ़ियों पे चल रही थी, मैं एक इंसान से मिली जो वहाँ पे नहीं था, और वो आज भी वहां पर नहीं था। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो चले जाएं। एक्सक्यूज मी। हाय, लगता है तुम मैरी हो। मैं पोलर क्रश की हूँ प्रोस्पेक्टिव से। तुम प्रोस्पेक्टिव से हो? तो तुम कौन हो? मैं फेरन हूँ, फेरन पिंकलटन। हाँ, ब्लडी मैरी की प्रेसिडेंट हूँ। मैंने तुम्हें खत भी लिखा था, हमारे एनुअल फंक्शन में तुम्हें आना होगा, लेकिन कहा जाए तो ये हमारा पहला कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हमने ये प्लानिंग की थी कि ये हम अगले साल करेंगे, तो मुझे लगा तुम्हें उस कॉन्फ्रेंस में बुलाना अच्छा रहेगा। क्या तुम्हें मेरा लेटर नहीं मिला? फेरन, मुझे लगता है कि हमारी जो भी बातचीत है उसे अभी यही रोकना होगा। मैं कल भी आ सकती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा फेरन। बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक वर्जन मेरी हूँ जो मेरे सपने में रोज आती थी, और उसने अपना पूरा खून मेरी बॉडी में डाल दिया, गरम, पतला और लाल। हाँ। मैं बाकी बातें अगली बार के लिए रखूंगी, तब हम कुछ और ज्यादा बात कर सकते हैं। फ्रेंड, बॉयफ्रेंड। बाय बाय। अपने कपड़े उतारो। बॉस की तरह बर्ताव अच्छा लगता है। जूली, आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मेरी हेल्प करो। चलो जूल्स, पहले मुझे पकड़ो। तुमने एक कदम और रखा तो मैं चिल्लाऊंगी। हाँ। ठीक है, ठीक है। चलो पहले कहानी बताओ। कहानी? वही कहानी कि डेविड क्यों औरतों के कपड़े निकलवाकर उन्हें नंगा देखना चाहता है और उतना अच्छा भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक रेड कलर का हेडपैन लगाता है। मैं अच्छी कहानी बताने वाला नहीं हूँ। नहीं तुम हो। ठीक है, अंकल डेविड तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे अगर तुम वादा करोगी कि तुम अपने पूरे कपड़े उतारोगी। वाव! अगर तुम इस तरह से बोलोगे तो कोई भी लड़की अपने आप को नहीं रोक पाएगी। हाँ चलो देखते हैं कहानी। डेस्क के जांघों पर नहीं करना ऐसा। कुछ तो चुभ रहा है मुझे यहाँ। ये फोगी है। इसे खाना भी खिलाना पड़ता है। शिट्स, क्या चाहिए तुम्हें? इसे खाना खिलाना पड़ता है? क्या है ये? ये फोगी है, मुझे मेरी वाइफ ने दिया है। और मुझे इसे 1 महीने के जिंदा रखना है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक बेबीसिटर हायर करूँ, क्या तुम करोगी? मुझे नहीं लगता कि नंगे नैने इस देश में लीगल है। फोन मत उठाओ। हेलो हेलो, नहीं वो यहाँ नहीं है, वो 6 बजे तक वापस आ जाएगी। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। बाय बाय। तो तुम क्या कह रहे थे? मैं ये टोपी, ये इतनी अजीब टोपी क्यों? ये जो टोपी है, ये पहनने से तुम अपनी दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में आ जाओगी। ये तुम्हारे सपने जगाएगा। क्या बोलती हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लाल कलर ही क्यों प्रोफेसर यंग? लाल कलर वासना और आग, पैशन से भरा हुआ है। पैदा होना, मरना, तड़प, एक पल और पैशन। तुमने पहले भी पैशन बोला है। अच्छा मैंने कहा? ये सब बकवास बातें हैं, मुझे असली कहानी सुननी है। पहले कहानी फिर काम, ठीक है? चलो बताता हूँ। एक समय था जब मैं 13 साल का था। एक बड़ी औरत जो मेरी नेबर थी, उसका नाम था मैगी। वो हर बार आकर मुझे चेक करके जाती थी जब मेरे माता पिता शहर से बाहर थे। आगे मैं बताऊँ? मुझे बताने दो। एक दिन वो मैगी छोटे डेबी को चेक करने के लिए आती है, जो बाहर फुटबॉल खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। और ये बहुत ही सुंदर धूप वाला दिन था और वो उस धूप के किरणों में पसीना पसीना हो रहा है। और मैगी उसे देखती है और उसने अपने सिर पर ये लाल कलर की टोपी पहनी है और सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं। वो बहुत सुंदर लग रही है। उसकी बॉडी का हर एक कोना बस तनतनाया जा रहा है और उसके जो ब्रेस्ट हैं, उसके बड़े हील वाले सैंडल। वो पीछे से आती है और नजाकत के साथ कहती है, डेविड डेविड, मैं मैगी, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। और तभी छोटा डेविड अपने बाथरूम के दरवाजे से निकलकर देखता है। उसने अपना टॉवल पहना है और बड़ी नजाकत के साथ अपनी कमर दिखा रही है और वहाँ मैगी आ जाती है। वो उसे घूरती है और देखती है। ओह डेवी, तुम बहुत ही बैड बॉय हो। वो अपना लंबा सा चेरी कलर का नाखून उसकी चेस्ट पे घुमाती है और उसके मुलायम पेट को सहलाती है और अपनी उंगलियों को चूसती है। तब तक वो सुंदर सी मक्खन वाली मैगी नीचे बैठती है और अपने घुटनों पर छोटा डेवी जूनियर को खड़ा करती है। वो खड़ा होता है, थोड़ा पिंकिश कलर का लेजिट, थोड़ा पसीना निकलता है। तभी वो अपने सुंदर लाल लिप्स आगे करती है और उसके गुप्तांग को चूमने लगती है। खुशी और जोश भरकर वो छोटा सा डेविड सिर्फ ये देख ही पा रहा है उस औरत की लाल कलर की टोपी को, और वो ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे। तुम्हारी सोच अच्छी है। अब तुम मुझसे सेक्स नहीं करोगे? अब मुझे यह करने की जरूरत है या फिर मैं करने वाला हूं। अपने हाथ को बाईं तरफ मोड़ो। मुझे यहाँ आकर बताओ। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था तुम आज पेंटिंग नहीं करने वाले हो। नहीं 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 नहीं। क्या मैंने रुकावट डाला तुम्हारे काम में? रुको 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 प्लीज, ये मैं उठा लेता हूँ। जूली तुम रिलैक्स कर सकती हो, बहुत बड़ा सेशन कर लिया हम लोगों ने। मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। ओह थैंक्स लव। तो तुम कपड़े पहने हुए जिंदगी में क्या करती हो? क्या तुम एक एक्ट्रेस हो या फिर कोई मॉडल? क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स आजकल एक्टिंग भी कर रहे हैं या फिर मॉडल्स। मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। तुम क्या पढ़ाई करती हो? मैं लिखती हूँ। सच में? मैं नॉवेल लिख रही हूँ। ओह किस बारे में? तुम्हारे बारे में। फिर तो बहुत ही छोटा और बहुत ही बोरिंग होगा नॉवेल तुम्हारा। मुझे इस बात पर डाउट है। You didn't happen to lose a pair of underwear recently? Red, right? Uh-huh. How embarrassing. I'm sorry, where'd you find them? Under my bed. Oh. See, I'm not shy at all about posing, but when I first started, there's something so intimate about dressing and undressing. I hope you don't mind I used your bedroom. Oh, no, no. That must have been weird, finding a strange woman's skivvies in your space. Go get them. Wow, this deserves some tequila. I'm sorry you'll have to go virgin. A nice shade of red. Oh, thanks. Thanks. we should get back to work. I'm sorry, I'm going. So, how did you two meet? We actually met right here. It's funny. Mary. I'm sorry, I'm going. No, 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 please stay. I've always been fascinated by the chance encounters that lead to love. It's the utterly hopeless romantic in me. I want to hear how Mary and David met, please. It's really not that terribly romantic. I mean, Please. Okay, I lived here first, and I was moving out, David was moving in, and we kept bumping into each other, mixing up each other's boxes until we decided to simplify and consolidate it under one roof. That's not exactly how it was. Oh, it's not, huh? No. It was her voice. She still doesn't want to hear that. No, I do. I want to hear all the gory details. She was late moving out. Oh, I got the days mixed up. Yeah. The door was open and I was about to walk in when I heard this voice. I was on the phone, right? Hmm. It sounded like a bubbling brook. No, soft water over hard rocks. I kept asking myself, where have I heard that voice? I knew this voice. The rhythm of it, the tone, the bursts of laughter. I wanted to step inside that voice and never leave. Yeah. So I just stood there, speechless, nailed to the floor. And I knew from the moment I saw her that she was the one. I just stood there staring at me like some big lug. Well, that's quite... Oh, he actually asked me to move in with him that first day, right? That's crazy. No, I thought you asked me. Oh, there we go again. Wow, that was a great story. Thanks for sharing. सब मेरा ख्याल रखने। कार्ल एक कांटा है, लेकिन वो तुम्हारे सेल्स को डबल कर सकता है। मैं अभी खून से पेंटिंग नहीं करने वाली हूँ। क्या? मैरी, 1 सेकंड के लिए रुको प्लीज। मैं नहीं कर सकती ये सब अभी। डेविड, मुझे ऐसे मत देखो। मुझे एक भी गैलरी नहीं मिल रही है जो मेरे काम को इंटरेस्ट दे सके, और मैंने छोड़ दिया। तुम्हें पता है कि हम कितना कमाते हैं? मैं अभी टूट रहा हूँ। मैं आखिर में कहीं तो पहुँच रहा हूँ और तुम चाहती हो कि प्लेक निकाल दे? देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पेंटिंग छोड़ दो। मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये चीज मुझे पागल कर रही है। क्या हुआ? हाँ। ये सोता नहीं है और ना ही कुछ खाता है। मुझे लग रहा है कि मैं इसे मार रहा हूँ। ये तो सिर्फ एक खिलौना है, ठीक है? ओह माय गॉड, मुझे लगता है इसने उल्टी कर दी। मजाक मत करो। सही है, ये अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से बाहर नहीं आया और इसे किसी डिजीज ने पकड़ लिया। डेविड, सारे बटन एक साथ मत दबाओ, तुम इस चीज को सर्किट खराब कर दोगे। डेविड नहीं। अब तुम कहाँ जा रही हो? मेरे स्टूडियो में। तुम यही चाहते हो ना? मैं एक बड़ा सा, सच में बहुत बड़ा सा खून का पेंटिंग बनाने वाली हूँ और मैं उसे बहुत सारे पैसों में बेचूंगी और उसके बाद हम खुशी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। और ये तुमने पीना कब से शुरू कर दिया? ये बियर है, ये सच में एक बियर है। चुप हो जाओ। क्या कहा तुमने? मैं उससे बात कर रहा था, वो छोटे से बच्चे से। मैं उससे बात कर रहा था, तुमसे हाँ। नहीं, ठीक है। मैं उससे बात कर रहा था। अरे यार, सच में चढ़ गई क्या? मिस सोहा, हाय। Fairen Pinkleton. आओ। मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचो, और मुझे लगा था कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा जिसमें तुमने अपने सुसाइड अटेम्प्ट के बारे में लिखा था। जब मैं 14 साल की थी तब मैंने भी कोशिश की थी उसी तरह। तो वो चीज़ तुम्हारे साथ भी काम नहीं आई? नहीं, कुछ काम नहीं आया। अच्छी बात है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे सच में जाना है। तुम कल दोपहर में आ सकती हो अगर तुम आना चाहती हो तो हम और कुछ बात कर सकते हैं। ओह, मैं सच में इसके लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ओके, बाय बाय। सम्मोहक यौनाभास है। ये मैंने कुछ नई बात सुनी। सम्मोहक यौनाभास? ये लो। बहुत सम्मोहक। अच्छा है। तो तुम्हारे सम्मोहक यौनाभास के लिए। अच्छा, तो मेरे यौनाभास के लिए? ओ, ठीक है, तो मैं कुछ चकना निकालती हूँ। तो तुम कह रही थी डेविड के बारे में? ओ हाँ, मैं यही कह रही थी ना। शुरुआत में तो वो मुझे खा जाता था। जिस तरह से मुझे देखता था बहुत ही पागलपन की बात थी, जैसे कि मैं कोई चिकन का पीस हूँ। अपनी लालच भरी निगाहों से। मुझे पैसे ही लोग पसंद हैं। नहीं, मैं डेविड के बारे में नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब है मर्द, जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड कार्लो, वो मुझे ऐसे ही देखता है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हम सबको एक साथ मिलना चाहिए, बहुत मजा आएगा। ओह, कार्लो, ये कैसा इंसान है? वो थोड़ा इटालियन है। वो बहुत पैशनेट है, मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी Me? No. Are you disappointed? A little. But, I mean, why would you be jealous of me? Granted, your husband looks at my naked body all day long. Might as well be an apple or a pile of lumber. Julie, you are definitely not a pile of lumber, believe me. I think that you underestimate yourself. I mean, you're a beautiful, complicated woman. And you. That finally managed to make me blush. So do you think that I flirt with your husband? Tell me the truth. Because I do flirt. I flirt outrageously. It's all due to a deep insecurity, or so I've been told. No, you haven't done anything wrong. It's all in my little sick mind. Okay. I have a confession to make. What? I'm a very bad girl. Bad? Nasty. I'm a nasty girl. I take things that don't belong to me. So what's your kleptomaniac or what? This belongs to you, I believe. Did David give this to you? No, I stole it. I'm a thief. You're giving it back, so it's not really like you. I'm not giving it back. I'm just clearing my conscience. I'm a very bad girl. Wait, of course he's getting back. No, he's mine now. He's crying. You have to. नहीं दे रोना बंद नहीं करेगा. Say bye. Say bye bye. Julie. Hey, crazy. What happened? Nothing. What are you doing here? Visiting. You? Yes. Me. What's so strange about that? Nothing. Are you jealous? Of Julie. She came to the gallery. I had a really nice chat. She came over here. And why are you so upset, David? Just curious. Does it bother you that I'm getting to know one of your models, that I might have access to that part of your life? No, I just didn't think Julie was your kind of person, that's all. Oh, why? Because she's fun, hip, and I'm not? I should be more playful, shouldn't I? You're perfect exactly the way you are. You like me depressed and hostile. I love you depressed and hostile. No, you don't. Anyway, I like Julie. She's fun. She's a little rough around the edges. But she's extremely attractive, isn't she? Do you want me to paint someone ugly? Yes. For once, I would love it if you would just paint somebody extremely unattractive. Would you do that for me? Why don't I paint you when you're drunk? Oh, hey, David. You came back. Do you want to go to Alice Bar? We could बातचीत कर सकें उस चीज के बारे में जो अभी मेरे पास कैद है. Oh, मैं अभी वापस आती हूँ. मैरी, तुम पहले से ही बहुत ज्यादा पी चुकी हो. मैं हूँ ना, उसे संभाल कर घर पहुँचा दूंगी. वो कितनी सेक्सी है. मुझे पता नहीं तुम क्यों अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं करना चाहते. सबको अफेक्शन की जरूरत होती है. मैं तैयार हूँ. डेविड, हैव अ गुड नाइट. कल मिलते हैं. कल हमारा सेशन नहीं है. ओह हाँ, मैरी ने मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को कल बुलाया है. ये कपल्स की बात है. हम लोग स्क्रैबल खेलने वाले हैं। मुझे लगा था तुम्हें स्क्रैबल पसंद नहीं है। मुझे हारने से नफरत है। चलो चलते। I gotta go. ये एक इटालियन के लिए बहुत अच्छा है ना? ये सच में अच्छा है। करेक्ट। और ये सोचना कि इसने ये खेल पहले नहीं खेला है, ये कार्लो के लिए 2 पॉइंट्स। ये सुंदर ही नहीं कितनी सुंदर है ना? इससे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी सोना सुंदरी। डेविड तुम लकी हो, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा लकी हूँ, ठीक है? चलो शुरू करते हैं, मैं शब्द बनाऊंगा। क्यों ना हम स्ट्रीक स्क्रैबल खेलते हैं। तुम खेल के बीच में रूल्स बदल रही हो। ये एक स्ट्रीक ब्रोकर की तरह है। पहले ये खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हारे लिए नंगा होने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए अच्छे बच्चे की तरह मॉर्गरेट लेकर आओगे क्या? मैं लेकर आता हूँ। नहीं डेविड, तुमने हमें यहाँ पर बुलाया है, मैं अपनी लवर का अच्छी तरह ख्याल रखना पसंद करता हूँ। मैरी तुम्हें भी चाहिए? तुम्हारा गिलास बहुत दुखी और खाली लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, यहाँ चखने की भी बहुत कमी है। डेविड चीटिंग मत करना, मैं इस पर नजर रखूंगी। सुंदरी, अगर उसने ये शब्द वापस इस्तेमाल किया तो उसके पास बहुत दिमाग है। मैं ये सोचता हूँ कि एक सुंदर सी, सेक्सी सी और एक अच्छी लड़की जो तुम्हारी तरह हूँ, उसके प्यार में मैं क्यों नहीं पड़ सकता हूँ। बहुत ही स्वीट बोले तुम। मैरी तुमने कभी ऐसी अलग चीज नहीं की होगी, नहीं की है ना? कार्लो हम ये बात कर ही क्यों रहे हैं? मैरी तुमने कभी ऐसी चीजें की है? तुम्हें सच में मेरी जरूरत नहीं है, तुम एक खेल की तरह हो। एक्चुअली तुम गलत हो। तुम अपने आप को समुंदर समझती हो जो बहुत ही लंबा है, आजाद है और जरूरतमंद है, लेकिन कई लड़कियों की तरह तुम सच में एक दलदल की तरह हो, जैसे मर्द को खींचना होता है अपनी दुनिया में। तुम्हारी सोच अच्छी है डेविड। ठीक है, ठीक है। डेविड तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी बीवी बहुत ही सुंदर है और उसके पास बहुत ही अच्छी सोच वाला दिमाग। बिल्कुल सही कार्लो, तुम्हें औरतों के टेस्ट के बारे में बहुत अच्छा सेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला शब्द कौन बनाएगा? डेविड तुमने तो अपनी चाल चली ही नहीं, तुम क्या कर रहे हो कब से? SEX 1 2 10 और मुझे एक डबल वर्ड मिल गया है। ओह, लेकिन तुम 22 पॉइंट से पीछे हो। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, तुम ये शब्द अपने जेब में लेकर घूम रहे थे क्या? हमने ये खेल बहुत खेला, लेकिन सेक्स शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया तुमने। मैरी भगवान के लिए, ये तो सिर्फ एक शब्द है यार, चुप हो जाओ। ये हर बार का है तुम्हारा, हर बार का। क्यों, सेक्स शब्द सही नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है। चलो अब अपने कपड़े उतारते हैं। सब लोग अपने अपने कपड़े उतारो। चलो चलो अपने कपड़े निकालो। वहाँ पर कुकीज रखे हैं, तुम खा सकती हो। मेरे हिसाब से वहाँ चॉकलेट चिप्स रखे होंगे। क्या तुम कॉफी पियोगी या फिर चाय, या फिर तुम कुछ और? मेरा तो हैंगओवर हो गया है। या फिर तुम्हें सैंडविच खाना है, मैं तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? चिंता मत करो, ये सिर्फ एक इंसुलिन है। क्या तुमने सारे कुकीज खा लिए? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं लेकर आ जाऊंगी। हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें हर तरह का स्वीट नहीं खाना चाहिए था फैरेन। मुझे ये ट्रिप बहुत पसंद है। कैसा ट्रिप? जिस जगह पर मैं जाती हूँ वहाँ शुगर खाती हूँ। मैं बहुत शुगर खाती हूँ और जब वो मेरे दिल तक पहुँचने वाला रहता है मुझे पता चल जाता है। अगर मैं 1 सेकंड के लिए और नहीं रोक पाई तो मैं मौत को देख सकती हूँ। मैं कितनी नज़दीक पहुँच जाती हूँ। मुझे लगता है मैंने उसे एक बार देखा है। कैसे? हाँ, उसका गोल्डन लाइट था, उसके चमकने वाले लाल बाल थे तुम्हारे जैसे। उसने लगभग नीचे आकर मुझे छू ही लिया था, तभी मेरी माँ ने मुझे इंसुलिन इंजेक्शन मार दिया। ये ऐसा है कि जैसे एक तार से तुम जुदा हो रही हो, जैसे एक बादल जो गिरने के लिए बेचैन हो रहा हो। फैरेन, तुम और स्वीट्स मत खाना, ठीक है? मुझे पता है, मेरी माँ भी यही कहती हैं। वो मेरे से कुकीज छुपा कर रखती हैं। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरे पिताजी मजाक समझते हैं। वो मुझे चुपके से कुकीज दे देते हैं जब मेरी माँ नहीं रहती है। मेरा एक सवाल है तुम्हारे आर्टिस्ट स्टेटमेंट के ऊपर। मैरी शाह अपने आप को मुक्त करने की कोशिश की, अपना खून बहाते हुए। नहीं फैरेन, तुमने जैसा मेरे बारे में सोचा है, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। ब्रह्मांड के ईश्वर तुम्हें अलग जगह पर लेकर गए थे, लेकिन हमने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या तुम्हारी कोई और हॉबी है? मैं हाई स्कूल में ड्राइंग करती थी। सच में? तो वो कैसा था? तुम्हें मजा आता था उसमें? वैसे उन्होंने मेरी माँ को कहा था उन्हें मेंटली प्रॉब्लम है। उन्होंने मुझे स्कूल काउंसलर के पास भेजा और कहा मेरे जो ड्राइंग्स है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो मेरी माँ ने ड्राइंग की सारी चीजें फेंक दी। दरअसल मैंने ड्राइंग करना फिर से स्टार्ट कर दिया, लेकिन मेरी फैमिली को इसके बारे में नहीं पता था। मैं ये सब ज़्यादातर पब्लिक टॉयलेट में ही करती थी, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बहुत शांति होती है, सिर्फ फ्लश की आवाज़ ही आती थी थोड़ी सी। क्या तुम देखना चाहोगी? ओह हाँ बिल्कुल। मेरे सारे ड्राइंग्स यहीं पे हैं। मैं उन्हें अपने साथ रखती हूँ हर वक्त। मैं डरती हूँ कि मेरी माँ कहीं इन्हें ढूंढ न ले। उन्हें आर्ट से नफरत है। तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? मैं बस क्या तुम अपने सोच विचार से ड्रॉ करती हो या फिर? नहीं, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो मुर्दा घर में काम करती है, मेरी मदद करती है घंटों बैठकर। हम सिर्फ बॉडी पार्ट को ही रीअटैच करते हैं जब ये बन जाता है, और जब कैस्केट गिर जाता है तब बॉडी नहीं हिलती। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? ओह, ये सिर्फ थोड़े से हिंसक है। वाह, लेकिन तुम्हारे पास टैलेंट है फ्रेड, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम अपना ये काम मेरी गैलरी में लेकर आओ और उन्हें दिखाओ, मेरे डीलर को स्टीवन। उन्हें तुम्हारे जैसे जवान और नए आर्टिस्ट से मिलना बहुत पसंद है। मतलब मैं? क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? हाँ हाँ फैरेन, क्यों नहीं? हे भगवान, ये तो एक सपना है। मेरी शॉ मेरी मदद कर रही है मुझे, फैरेन पिंकटन को। मैं कितनी खुशी महसूस कर रही हूँ। फैरेन, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ओके? मैं आज ही जाकर मिस्टर स्टीफन से मिलती हूँ। मेरा मतलब है, मैं क्यों इंतजार करूँ? मैं अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं टॉनी रॉबिन्स को पढ़ती हूँ। वो एक सुअर है, लेकिन वो एक अच्छी राय देता है। तो गुड बाय फैरेन। तुम एक एंजल हो मैरी। नहीं, पहले टकीला, उसके बाद आइसक्रीम, उसके बाद चॉकलेट। गरम ठंडा मीठा, गरम ठंडा मीठा एक पुराना रसायन विद्या का प्रिंसिपल है प्लेजर के लिए। ये बिल्कुल सच में रियली सीरियसली वाला आखिरी वाला है। ओके, कॉर्नी हॉर्नी इटालियंस के लिए। मैंने सुना है इटालियन मर्द बिस्तर पे बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, इटालियन औरतें उनसे भी अच्छी होती हैं। वो लोग प्राचीन संभोग के आर्ट को समझते हैं। जूली, तुम्हें मुझे अचंभित करना बहुत पसंद है ना? मैं उतनी भी कपटी नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम लड़कियों को भी डेट करती हो? ये डेट नहीं है क्या? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्या तुम मतलब बाइसेक्सुअल हो? मुझे नहीं पता ऐसा कोई शब्द होगा जो मैं हूँ। सेक्सुअल ये एक अच्छा शब्द है। क्या तुमने सीरियसली रिलेशनशिप रखा है किसी लड़की के साथ? मैं अपने कॉलेज में एक लड़की के साथ थी, क्योंकि वो पूरा लड़कियों का कॉलेज था। ये स्कूल में कराया जाता था। मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं रही हूँ। कभी नहीं? नहीं। तुम उत्सुक नहीं हुई क्या? मुझे लगता है बौद्धिक उत्कर्ष के हिसाब से हाँ। तो मास्टरबेट करते टाइम क्या सोचती हो? क्या? नहीं, ये अभी तुमने जो कहा वो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो गया है। ठीक है। तुम्हारे होठों के नीचे जूली। हर औरत इस बारे में सोचती है। उसकी शुरुआत जब होती है जब हम खुद की बॉडी से प्यार करने लगते हैं, वो सॉफ्टनेस, बॉडी के हर कोने और कई चीज़ें, हमारे कोमल से उंगलियों का जो एहसास, स्पर्श, वो एहसास जब हमारा जीभ हमारी त्वचा पर लगता है, तब हम ये सोचते हैं कि अगर ये हमने किसी और के साथ किया तो कैसा महसूस होगा। उन्हें वो चीज़ों का एहसास दिलाने के लिए जो एहसास मैं कर रही हूँ, और ब्रेस्ट को सहलाना और फिर उन्हें महसूस करना, और फिर उनका दूसरा भाग आता है गुप्तांग। देखो जूली, तुम्हारे साथ अफेयर रखने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कम ऑन, इसके पिघलने से पहले मैं तुम्हें बस छेड़ रही थी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तुमने मुझे नहीं डराया। बस बात यह है कि मैं बहुत क्लियर हूं, मैं हेड्रोसेक्सुअल हूं। बिल्कुल, तुम हो इसलिए तो हम जिंदा हैं, पैदा करने के लिए। मुझे लगता है मेरा हो गया। तुम क्या कहती हो? मेरा भी। शिट मैरी, तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? तुम पेंटिंग कर रही हो या कुछ और कर रही हो? पेंटिंग के अलावा और कोई चीज़ नहीं है क्या? मैं ये समझ सकता हूं कि तुम बहुत सारे तनाव से गुजर रही हो। ठीक है, बस हो गया, अब ये हमारी बातचीत खत्म हो गई है, गुड बाय। हाँ, मेरा एक सैलेड कहाँ है? क्या तुम मेरी नई इंटर्न हो? मैं फैरेन पिंकटन हूँ। कौन? मैं मेरी शाह की फ्रेंड हूँ। ठीक है, वो चाहती है कि मैं तुम्हें कुछ अपनी पेंटिंग्स दिखाऊं। ओह, ऐसा है क्या? ये बहुत ही अच्छी और क्यूट सी बात है, लेकिन मेरे पास अभी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो हो सकता है कि हमें कभी बाद में करें। ठीक है, हैव अ गुड डे। देखो, मैं भी बहुत बिजी थी पर फिर भी मैं आई ये ब्लडी मैरीज को तैयार करने में। ब्लडी मैरीज? हाँ, वो तुम थी? तुमने इस बारे में सुना? ठीक है, मैंने अपने खुद के आर्ट को नकारा। मैरी ने मेरी मदद की उसे जानने में, और मैं सच में ये आशा करूंगी कि आप मेरी पेंटिंग्स को देखेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारा 1 मिनट लूंगी। ओके, गुस्सा मत होना, मैं देखता हूँ। तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। ओ मिस्टर सेलर, यहाँ आकर देखो मैंने क्या किया है। वाव वाव, ये वैसे ही है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। अरे डेविड, मुझे लगता है फॉरेन का काम मेरे काम जैसा ही है। नहीं, मैं इनकी तरह नहीं, इनके जैसा बनना चाहती हूँ। अगर मैं इतनी बोल्ड होती तो मैं इन्हें और अच्छी तरह बना सकती थी। मैंने तुम्हारा कैटलॉग का इस्तेमाल किया। क्या तुमने खून का इस्तेमाल किया? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही कपड़े में कटे हुए, एक ही लकड़ी से बनाए हुए, हम दोनों एक ही इंसान। तुम्हारे कहने का मतलब है फॉरेन, हम सब एक हैं किसी न किसी तरीके से, है ना? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने हम दोनों की बात की। मैं तुम्हारी एक एक्स फ्यूचर बहन हूँ। फॉरेन, घर जाओ, जाके सो जाओ, तुम बहुत अजीब सी लग रही हो। मैंने ऐसा सोचा कि हम दोनों मिलकर एक साथ शो कर सकते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये नए सीरीज के बाद मिस्टर स्टीफन ने कहा ये दुनिया से हटकर एक छाया चित्र होगा। तुम्हें पता है उसके कहने का मतलब क्या था? क्योंकि वो बहुत ही आध्यात्मिक और अच्छा इंसान है, वो रियल में अच्छा इंसान है। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि काश वो फैरेन, फैरेन, फैरेन ठीक है क्या? उसे इंजेक्शन दिया है उन्होंने, थोड़ी ही देर में वो आज घर आ सकती है। उसकी जानकारी बताने के लिए शुक्रिया। देखो, मुझे पता है कि ये बात तुम्हारे पूरे दिनचर्या को बिगाड़ देगा, लेकिन मैं अपना ये शो थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन करना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम डेविड की पेंटिंग दिखा सकते हो? दरअसल जो तुम कह रही हो कि जो तनाव में तुम हो वो असल में नहीं है, और फिर जिस तनाव में तुम हो उसके लिए मैंने एक बैकअप पहले से तैयार करके रखा था। क्या? कौन है वो? फॉरेन, तुम्हारी दोस्त। हाँ एक मिनट, हम ऐसा कह सकते हैं कि मैरी वापस आ गई है, या फिर मैरी, या फिर ब्लडी मैरी मेरे जैसा करने लग गई। तुम्हें पता है ना ये सारे तो डुप्लीकेट है, वो सारे मेरे काम के जेरोक्स कॉपी हैं। मैरी की कॉफी, ये बहुत ही ब्रिलियंट नाम है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। ओह माय गॉड, स्टीफन। ओह, लगता है पोला का फोन है, तुम ये फोल्ड कर दो। हे पोला, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। ठीक है, फाइन, ठीक है मैरी, तो बाय। उसने मेरे काम को कॉपी किया। ओह हाय, गुड मॉर्निंग। तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या? तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए। मेरे एक फ्रेंड का घर है पहाड़ों के ऊपर, तुम जाकर वहाँ रह सकती हो। वो थोड़ी शांत जगह है और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। और मैं वहाँ आकर तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। तुम खाना बनाती हो? हाँ, मैं बनाती हूँ। मैं शौक हो गई। तुम सच में ऐसा सोचती हो कि मैं अपना पूरा दिन मास्टरबेट करके गुजारती हूँ या फिर कोई वीडियो देखकर? ये तुम्हारी ही तो गलती है। तुम खुद चाहती हो कि लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोचें, है ना? तुम कितनी शातिर हो मैरी। तो मैं कुछ नया करने वाली हूँ। मैं अभी बहुत सीरियस रहने वाली हूँ और इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या हुआ, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है? हाँ, मुझे लगता है मुझे दवाई खानी चाहिए। मुझे पता है सिर दर्द कैसे ठीक करना है। आउच, ये थोड़ा दर्द करेगा। जो भी अच्छी चीज होती है वो किसी न किसी तरीके से दर्द देती है। ऐसा है क्या? ये बहुत अच्छा है। जूली, तुम्हें पता है क्या, मेरे लिए खाना बनाना भूल जाओ। तुम बस दिन भर मेरा मसाज करो। मैं बहुत सारा पैसा देने को रेडी हूँ तुम्हारे कोमल और सुंदर हाथों के लिए। नहीं, मैं इन हाथों को नहीं छोड़ने वाली। तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं। एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि मैं इसके लिए तुम्हें राह दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ जूली, पर मेरी शादी हो चुकी है जूली। लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम ऐसा नहीं कह सकती। तुम ऐसा मत कहो। तुम्हें ये पता नहीं है। मैरी, आई लव यू। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। आई लव यू। तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। नहीं, नहीं जूली, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरा मतलब तुम कुछ नहीं करने वाली। अगर हम दोनों में ये होता तो अच्छा होता। अगर ये चीज हम दोनों में है तो सच में अच्छा होता। तुम ये आजमाना नहीं चाहती? जूली, मेरा कहने का मतलब है कि ये प्यार होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, सेक्स के अलावा भी। मैं सेक्स के बारे में बात नहीं कर रही थी। ठीक है, भूल जाओ। आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यार, कहाँ है ये? यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? ये रहा। ये बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं। इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता। इसका मैग्नल कहाँ है? मुझे नहीं पता। ओ हाँ, इधर है, यही है। बहुत देर हो गई है। ये मर चुका है। तुमने इसको मार दिया? मैंने? क्या तो? बोल रही हो? मुझे लगा कि हम दोनों इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इंडेक्स में देखो डेविड, देखो देखो। मेरा मतलब है, एक बार चेक तो करो। हो सकता है हम इसे चालू करें, नई बैटरी डालें या रिफ्रेश प्रोग्राम करें तो कुछ। मैं क्या करूं? इसका पुनर्जन्म करेंगे? ये मर चुका है, छोड़ दो इसे। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे हार नहीं मानना है। मैं चाहती हूँ ये काम करे। कुछ करो डेविड, कुछ करो प्लीज प्लीज प्लीज, कुछ तो करो डेविड। भगवान, ये खिलौना है बस, इसका कुछ मतलब नहीं है। ये बेकार चीज है। गॉड, डेविड तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो डेविड? तुम उसे ऐसे नहीं फेंक सकते। भगवान के लिए इसे छोड़ दो। तुम अपने आप को इस वजह से पागल कर रही हो। ये सिर्फ एक बकवास खिलौना है। तो तुम्हें नहीं चाहिए था, है ना? क्या बोलो डेविड, ये तुम्हें नहीं चाहिए था। अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो तुम बच्चे को गिराने को कहते हैं ना? हे भगवान, अभी तुम उस बात पर मत आओ, अभी हम ये बात नहीं करते, ठीक है? तैयार नहीं होगे, है ना? हमारे पास कभी पैसे नहीं आएंगे, कभी हमारी अच्छी सी फैमिली नहीं बनेगी, है ना? तो तुम मुझसे शादी करके क्यों रह रहे हो? इसका पॉइंट क्या है? ये इसलिए है कि मैं सारे बिल पे करती हूँ, क्योंकि तुम आराम से बैठे रहोगे ये बहुत कन्वेंट है ना? मेरा मतलब है तुम कोई भी इंसान हो वो पागल होगा ऐसा मौका छोड़ने के लिए। ओ डेविड, मैं थक गई हूँ, मैं जाकर आराम कर रही हूँ, ठीक है? थैंक्स। उसकी पेंटिंग मत बनाओ। तो फिर किसे पेंट करूं? तुम्हें? आपका क्या ऑर्डर है? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। डेविड, lemonade, but only if you squeeze it fresh, lots of sugar. डेविड सुनो मेरी बात, ये बहुत पागलपंती है। उन्होंने मेरे शो की पेंटिंग में बहरा क्यों दिखाया है? ये फैरेन पिंकटन का काम है और इसने आर्ट की दुनिया में पूरी आग लगा दी है, और आग दिलासा के साथ और ज्यादा कंटेंट के साथ जो उसकी मैसेज में है। जो ओरिजिनल काम में था उसे उसने बड़ा किया है। ओरिजिनल काम मैं क्या हूँ? मैं पागल हूँ क्या? या फिर हाय। ओ हाय, मैं डेविड कहाँ है? ये सुनो, ये फैरेन के बारे में है। पिंकटन का आर्ट कई चित्रों से आगे, पूर्ण व्यवस्था के आगे, इसे हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने ये पर्दा हटाया गया है। पिंकटन के काबिल झूठ ने इस दुनिया को हिला दिया है। जैसे ये आर्टिस्ट अलग तरीके से अलग नजर रख के काम करती है, अलग प्लेन में, जो कि हमारी दुनिया के बराबर चल रहा है। ऐसा प्लेन जो कि स्टार ट्रेक के टाइम फ्रेम्स में था। कंटिन्यू। डेविड कहाँ है? बाथरूम में है। मैं कुछ पीना चाहूंगी, तुम भी कुछ पियोगी क्या? मैरी, प्लीज डोंट। शट अप जूली। मैरी, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने गलती की। नहीं, मुझे सब नहीं सुनना है। मैरी, मैरी रुको। मैरी, नहीं नहीं, मुझे छोड़ो डेविड, मुझे मत छूना, दोबारा मुझे टच मत करना प्लीज। शिट। हाय। तुम कहाँ थी? मैं चल रही थी। मैं पहले यहाँ पर आया था, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थी। मैं बस अभी आई हूँ यहाँ। ये सब साफ सफाई कर रही थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं चलने गई थी, सोच रही थी कलर के बारे में। मैं अपने पूरे विचार को कलर में बदलने को सोच रही थी, लेकिन मैंने जहाँ भी देखा मुझे बस एक ही चीज़ नज़र आई, वो है लाल कलर। और फिर मैं नफरत और बदला महसूस कर रही थी। और मैं पार्क में गई, घास पर लेटी, और अचानक से मेरे दिमाग में ये आवाज़ गूंजने लगी, काफ़ी हुआ, ये काफ़ी हुआ। कोई चीज़ मेरे अंदर से निकल गई और मुझे हर एक चीज़ अलग नज़र आने लग गया। मुझे वैसे ही महसूस करना है जैसे मैंने उस पार्क में महसूस किया, डेविड। मुझे हर वक्त वैसा ही महसूस करना है। मैं जब छोटी थी तब मैंने ऐसा महसूस किया था, उसके बाद कभी नहीं किया। मैं वहाँ पर लेटती थी, आकाश में देखती थी और ये सपने देखती थी, मेरा प्रिंस आकर मुझे बचा लेगा, मुझे खुश करेगा। मैं इसमें अच्छा काम नहीं कर रहा हूं, है ना? ये तुम्हारा काम नहीं है। मुझे माफ कर दो। क्या तुम यहाँ आओगे?